क्लास 11वीं और चैप्टर का नाम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और टॉपिक है डाउडनम ग्रहणी। फिगर में ग्रहणी कहाँ पर है इस चीज़ को पहले देखिए। इस जगह से फूड को आना, स्टोमक तक जाना और स्टोमक के बाद भोजन इस पार्ट्स में आएगा। गौर करके देखना है, इस पार्ट्स में आएगा और इसी पार्ट्स का नाम डाउडनम है। तो डाउडनम पार्ट्स जो है वह शरीर के किस भाग में वो पता चल रहा होगा, शरीर के अंदर का ये हिस्सा है जिसे ग्रहणी भी कहते हैं। क्या करता है इसके बारे में समझिए। ग्रहणी भोजन को पचाने में मेडिकल लाइन में काम आएगा, मेडिकल साइंस में जरूरी होता है और यह ग्रहणी का टॉपिक आगे चल करके एग्जाम में भी बेहतर रूप देता है, इसलिए समझना है। और मेडिकल का कोई भी पारा मेडिकल से लेकर के नीट क्वालिफाइड होने तक का एक टॉपिक काम आता है। तो कैसे, तो सबसे पहले यहाँ देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है। सुनकर के आश्चर्य लग रहा होगा कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, वो भी कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ बनता होगा। डरिए मत, समझिए इस चीज़ को। कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो कब मदद करता है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आता है कि ग्रहणी में आते ही यह आपको गॉल ब्लाडर है, गॉल ब्लाडर से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय से कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन डेवलप हो जाता है और पित्ताशय कहता है ए तुम रेडी हो जा, भोजन डाउडनम में पहुंच चुका है, तुम्हें भोजन को पचाने के लिए क्षारीय पदार्थ पित्त को भेजना होगा। तो इस जगह से पित्त बनता है, यानी पित्ताशय से जो पित्त बनकर आता है उसमें कोई हार्मोन मदद कर रहा है, तो उस हार्मोन का नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। एकदम बने रहिएगा टॉपिक पे। तो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्ताशय को उत्तेजित किया और पित्त को बनाया और पित्त वहाँ से निकल करके इस जगह देखे गए पाइप है यहाँ तक आ जाता है। और यहाँ जैसे ही आता है कि यहाँ आने के बाद ये डाउडनम से एक दूसरा हार्मोन बन जाता है, वह डाउडनम से बनने वाला दूसरा हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन हार्मोन। देख रहे होंगे सेक्रेटिन हार्मोन, तो सेक्रेटिन हार्मोन डाउडनम से तुरंत बनता है इसको बनने के बाद, और यहाँ से चला जाता है इसमें पैनक्रियास, इसका नाम है पैनक्रियास में चला जाता है। अब बताइए कि पैनक्रियास में जाते ही यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस बनता है और पैनक्रियाटिक जूस और ऊपर से पित्त दोनों आ करके और डाउडनम में पहुंचता है और डाउडनम में भोजन को पचाना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ आप लोग को। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन पित्त को भेजेगा, सेक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को उत्तेजित करेगा और अग्न्याशय ही द्रव्य बनेगा और जो दोनों द्रव्य मिल करके डाउडनम में आएगा और भोजन को पूरा पूरा पचा देगा, पाचन की क्रिया। यस, क्लियर हो जाएगा। फिर नए टाइम का भोजन करते रहिए, हजम हो जाएगा, जब खाइए तब हजम हो जाएगा। आगे सुनिए। इतने नहीं, डाउडनम भी अपनी सुरक्षा के लिए यानी कोई कसर नहीं छोड़ता है, डाउडनम भी इस समय एंजाइम के रूप में ट्रिप्सिन भी बनाता है। तो ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है और उसको कौन बनाता है, डाउडनम बनाता है। तो डाउडनम हमारे शरीर में ट्रिप्सिन भी बनाने का काम किया ना, और ट्रिप्सिन जो बनता है ध्यान रखिए वो ट्रिप्सिन के रूप में नहीं बनता है, ट्रिप्सिनोजेन के रूप में बनता है। किस रूप में, ट्रिप्सिनोजेन के रूप में बनता है और ट्रिप्सिनोजेन रहता है इनएक्टिव, यानी एक्टिव नहीं, इनएक्टिव माने क्रियाशील नहीं, अक्रियाशील निष्क्रिय रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। तब ट्रिप्सिनोजेन जब इनएक्टिव होता है तो फिर कोई काम नहीं करेगा, तो इसको काम करवाने के लिए यहाँ देखिए एंट्रोकाइनेज अमाशय से, इधर देखिएगा अमाशय से एंट्रोकाइनेज चल देता है। तो अमाशय से एंट्रोकाइनेज चल दिया तो ये अमाशय से एंट्रोकाइनेज जैसी आता है या स्टोमक फ्लूड है कि ट्रिप्सिनोजेन जो इनएक्टिव था ना वो ट्रिप्सिन में बदल गया, अब ट्रिप्सिन जो होता है वो एक्टिव होता है, ट्रिप्सिन में बदल गया। अब ये देखिए जैसे ही ट्रिप्सिन में बदला तो ट्रिप्सिन कह कहो अब तो हम काम करेंगे ही, तो ट्रिप्सिन जैसे ही बनता है तो आप दाल पनीर अंडा दूध सोयाबीन जो प्रोटीन देता है आपको शरीर में,
तो प्रोटीन पर क्रिया करना शुरू करता है, यानी ट्रिप्सिन की क्रिया प्रोटीन पर होती है, और प्रोटीन पर जैसे ही होता है तो प्रोटीन अब पचना शुरू हो जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में टूटने लगता है। तो छोटे भागों में जब टूटता है तो प्रोटीन जैसे ही टूटता है तो बनता है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीओजेज। लगता होगा कि प्रोटीन ही सब कुछ है ना, नहीं, प्रोटीन का आगे भी कुछ खंड का नाम है, और प्रोटीन के आगे जो खंड का नाम है उसका नाम है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीओजेज। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन, प्रोटीओजेज, याद हुआ? प्रोटीन आगे चलकर पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन और प्रोटीओजेज में बदल जाता है। अब उतना ही नहीं, सारे गण ध्यान दीजिए, अब इसका परिणाम क्या आएगा, ब्लड में आपके आपके ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण बढ़ जाएगी, और ब्लड का जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण बढ़ेगा तो आपकी मजबूती मिलेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। यही कारण है कि आपके शरीर में डाउडनम का काम करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो डाउडनम को पढ़िए, और टॉपिक आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर ऐसे टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम बने रहिएगा।